टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 अपने फिनाले वीक में पहुंच चुका है और निर्माता इसे दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वीक की शुरुआत में हमने कनेक्शन वोट को भी देखा, जिसके बाद अभिनव शुक्ला को वापस घर भेज दिया गया। बिग बॉस सीजन 14 के फिनाले में कुछ ही दिन बाकी हैं। घर के अंदर बिग बॉस के जरिए ट्रॉफी को जीतने के लिए कई टास्क दिए जा रहे हैं। हाल ही में घर में एक टास्क दिया गया है जिसका नाम टिकट टू फिनाले है। टिकट टू फिनाले में रूबीना दिलेक ने टिकट जीत कर फिनाले में अपनी जगह बना ली है। इसी के साथ ही रूबीना ने इस टास्क को जीतकर निक्की तंबोली को नॉमिनेशन से बचाकर उन्हें पहला फाइनलिस्ट घोषित किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि राखी सावंत, अली गोनी और राहुल वैद्य को फाइनल में जगह जीतने का एक और मौका दिया गया, क्योंकि देवोलीना और रूबीना पहले से ही परिचित थी। टास्क में गार्डन एरिया में 14 लाख रुपए का चेक रखा गया था और जो कोई भी इसे उठाएगा वो फिनाले में जाएगा, लेकिन उसी समय जीतने वाली राशि से राशि कट जाएगी। राखी को चेक लेने की जल्दी थी और उन्होंने फिनाले में अपनी जगह बनाई। शो के मेकर्स ने टास्क को काफी मजबूत और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि मजबूत दावेदार रूबीना दिलेक, अली गोनी, राहुल वैद्य और देवोलीना भट्टाचार्य, इजाज खान फाइनल में जाने के लिए लड़ेंगे। वही राखी की बात करें तो हाल ही के एपिसोड में राखी को चेक ले जाने के बारे में बात करते हुए देखा गया कि अगर उसे पैसे की जरूरत है तो उसे पेश किया जाए। हैरानी की बात यह है कि निक्की तंबोली ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई है। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।